निवेदिता। वैसे तो लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए की शानदार जीत की खबर ने विपक्षी दलों में खलबली मचा दी है। हार की आशंका से परेशान विपक्ष अब ईवीएम के पीछे पड़ गया है। कोई ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है, तो किसी का आरोप है कि एग्जिट पोल के बहाने ईवीएम को ही बदलने की कोशिश हो रही है। मंगलवार को विपक्षी दलों ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की, हालांकि वहां भी उनके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि आयोग ने साफ कर दिया है कि सब कुछ ठीक है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष चुनाव आयोग को भी मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्या वाकई में ईवीएम को बदला जा सकता है? आइए हम आपको बताते हैं ईवीएम को कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाता है, जहां इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईवीएम की सुरक्षा में सेंध लगाना इतना भी आसान नहीं जितना विपक्ष हल्ला कर रहा है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग स्टेशन और वोटिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाता है। वोटिंग से पहले ईवीएम को किसी भंडार गृह या गोदाम में रखा जाता है। ये गोदाम तहसील स्तर पर बनाए जाते हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल अफसर के पास होती है। जिस गोदाम में ईवीएम रखे जाते हैं उन्हें डबल लॉक किया जाता है। सुरक्षा कर्मी 24 घंटे गोदाम में ईवीएम की निगरानी करते हैं। गोदाम पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरी नजर रखी जाती है। चुनाव आयोग की इजाजत के बिना इन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। वोटिंग से पहले इंजीनियर्स ईवीएम के पहले स्तर की जांच करते हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद होते हैं। चुनाव के दौरान भी ईवीएम को खास तरह से अलॉट किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। चुनाव आयोग ईवीएम को रैंडम तरीके से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलॉट करता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक सॉफ्टवेयर के जरिए ये आवंटन किया जाता है। अगर पार्टी प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहते तो भी हर विधानसभा में उन्हें ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सूची भेजी जाती है। ईवीएम बटने के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी रिटर्निंग अफसर की होती है, जो उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में रखवा देता है। इसके बाद एक बार फिर रैंडम तरीके से ही ईवीएम बांटने का दूसरा दौर शुरू होता है। ये प्रक्रिया भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने होती है और ईवीएम को पोलिंग स्टेशन भेज दिया जाता है। सभी उम्मीदवारों के पास ईवीएम के नंबर होते हैं, ताकि वो वोटिंग से पहले सही मशीन की पुष्टि कर सके। वोटिंग के बाद इन मशीनों को फिर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही स्ट्रॉन्ग रूम में सील कर दिया जाता है। अगर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चाहें तो तालों पर अपनी सील भी लगा सकते हैं। इस स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी का जिम्मा डीएसपी रैंक के अधिकारी का होता है। तो देखा आपने कि कैसे ईवीएम को हर कदम पर सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रखा जाता है, और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की आशंका न रहे इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी हर स्तर पर रखा जाता है। ऐसे में अगर विपक्षी दल ईवीएम की अदला बदली की शिकायत भी कर रहे हैं तो उन्हें इसका पुख्ता सबूत देना होगा, नहीं तो हवा में बातें करने का कोई फायदा नहीं।